और अगली खबर रायपुर से, जहां स्कूल्स में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजन के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। स्कूल्स में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें स्कूल्स में गुरुजनों का सम्मान किया जाएगा और शिक्षकों को सम्मानित किए जाने का ये जो एक प्रयास है, इससे न सिर्फ उनके हौसलों में इजाफा होगा और शिक्षक जो कई स्तर पर चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनके हाथ में देश का, प्रदेश का भविष्य है, उसे उज्जवल बनाने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए इस तरह का उत्साह वर्धन आवश्यक है। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, गुरु पूर्णिमा का पर्व स्कूल्स में भी मनाया जाएगा, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 22 जुलाई को पूरे राज्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो मनाया जाएगा और इस दिन को खास बनाने के लिए अब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा का पर्व आयोजित करने के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। और जारी आदेश के मुताबिक 22 जुलाई को सबसे पहले सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, दीप प्रज्वलित, उसके बाद माल्यार्पण कर कार्यक्रम का जो है सभी स्कूलों में शुभारंभ जो है वो किया जाएगा और जिसके बाद प्रार्थना सभा के बाद ही प्रार्थना स्थल पर ही गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बच्चों को जो है बताया जाएगा, साथ ही टीचर्स के क्या कुछ महत्व है इसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो प्राचीन काल से प्रचलित गुरुकुल की व्यवस्था के बारे में भी उनको जो है पूरी तरह से बताया जाएगा। वहीं प्रार्थना स्थल पर गुरुओं का सम्मान भी जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों में अपने अपने लेवल पर अलग अलग आयोजन का कार्यक्रम भी जो है वो किया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता जैसे तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन भी सभी स्कूलों में जो है किया जाएगा। खास तौर पर तैयारी करने के निर्देश सीएम साय की तरफ से सभी स्कूलों में जो है वो दिए गए हैं और इस पर्व को खास बनाने के लिए सरकार जो है पुरजोर तैयारी जो है अपनी तरफ से पूरी कर रही है और फिलहाल सभी स्कूलों में आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और अपने अपने लेवल पर सभी स्कूल जो है गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारी है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से उन टीचर्स के लिए, उन अध्यापकों के लिए एक उत्साहवर्धन करने के लिए कार्यक्रम होगा और इससे बच्चों का भविष्य और उज्ज्वल करने के लिए और उत्साह और ऊर्जा मिलेगी शिक्षकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने।